शादी विवाह में चोरी करने वाले गिरोह का कोही फिजा पुलिस ने पर्दाफाश किया। पुलिस ने आरोपियों को मंदसौर से गिरफ्तार किया है, जो ससी गैंग के बताए जा रहे हैं। पुलिस ने गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी के रुपए बरामद कर लिए। कोहफिजा इलाके के एक मैरिज गार्डन में शादी समारोह में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक शादी समारोह के स्टेज पर दूल्हा दुल्हन के पीछे बैग रखा हुआ था, जिसमें 1,20,000 रुपए नगद और गिफ्ट मिले लिफाफे सहित अन्य सामान रखा था। तभी एक 7-8 साल के बच्चे ने बैग उठा लिया, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था। पुलिस ने मंदसौर से गैंग के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया और पूछताछ में उनसे रुपये और लिफाफे मिल गए हैं। आरोपी ज्योति बाई और उसके बेटे गौरव के कब्जे से उसके हिस्से में मिली राशि और खाली लिफाफे अलग अलग जब्त किए। आरोपी ज्योति बाई निवासी ग्राम गुलखेड़ी थाना बोड़ा जिला राजगढ़ की निशानदेही पर, आरोपी राहुल किरार निवासी ग्राम भोपालपुर थाना पचोर जिला राजगढ़ को गिरफ्तार कर लिया गया। की जो वारदातें हैं वो बरामद किए हैं हनुमानगंज क्षेत्र से, साथ ही जो शादी विवाह में चोरी करने वाला गिरोह था उसको भी पुलिस ने पकड़ा है। शादी विवाह में जो चोरी होती थी उसमें एक वीडियो भी सामने आया था कि किस प्रकार से ये वारदात गिरोह करता है। इसमें पुलिस ने जो है सूझबूझ से गिरोह को पकड़ा है और उनसे जो मशरूका है वो भी बरामद किया है। इसके साथ ही मुख्यतः जो हनुमानगंज क्षेत्र के घटनाएं हैं, 11 घटनाएं जो वर्ष 2021 के अंतिम माह में और 2022 में जनवरी और फरवरी के माह में अभी तक घटित हुई हैं, उसमें 11 घटनाओं में पुलिस ने मशरूका बरामद किया है। मशरूका में अलग अलग प्रकार के वाहन, बैटरियां और इत्यादि आभूषण, घर की सामग्री, ये शामिल है। इसमें भी पुलिस ने जो गिरोह पकड़े हैं, इसमें कुल 11 अपराध हैं जो 21 और 22 के, जिसकी सूची आपको संलग्न करके दी है। इसमें जो 3 आरोपी हैं वो पुलिस की गिरफ्त में हैं, जिसमें से आपराधिक रिकॉर्ड भी है और एक आरोपी जो है उसके 43 अपराध हैं कुल अभी तक के, चोरी नकब जनी के, उसको ही पुलिस ने पकड़ा है। और पूछताछ इसमें जारी है। संभवतः अन्य थाना क्षेत्रों की कुछ वारदातें अभी संज्ञान में आई है, वो भी इस गिरोह से निकल सकती हैं। विशेषकर जो अपराधी, जिसका कुल अपराध की संख्या भी 43 है, पुलिस जो है अन्य प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की भी प्रक्रिया में है। दूसरा आरोपी है, उसमें भी 3 उसके विरुद्ध मामले हैं, इसमें भी कार्रवाई हो सकती है आपका 3 वाला जो बॉडी ऑफेंस भी 307 भी है सर। और इसके साथ ये 3 आरोपी के साथ जो विवाह वाला गैंग है जिसमें पकड़ा है, उसमें इसको भी पुलिस ने पकड़ा है। इनसे भी जो मशरूका गया था, जिसमें कुछ विवाह में प्राप्त होने वाले जो राशि के लिफाफे होते हैं वो भी पुलिस ने बरामद करे हैं, और भी इनसे पूछताछ जारी है। जो इसमें 3 हैं मुख्यतः, उसमें जो हनुमानगंज के मामले हैं, उसमें हमारे जो DCPs, एडिशनल DCPs, ACPs के साथ में थाना लेवल पे जो थाना प्रभारी हैं महेंद्र सिंह ठाकुर, उप निरीक्षक अरविंद जाट, संजय दुबे, अयाज चांदा, अजीत बघेल सोनी, धुमेंद्र सिंह, सत्येंद्र चौबे, सुनील तिवारी, प्रवीण सिंह ठाकुर, विजय द्विवेदी, संदीप बाथम, मनीष मिश्रा, कृपा शंकर गौतम, आरक्षक सौरभ सिंह, पुष्पेंद्र सिंह, अजय तिवारी, महिला आरक्षक वंदना, आरक्षक इमरान, महिला आरक्षक पूनम, विद्या, और जो सिटी सर्वेलेंस के हमारा संजू आरक्षक है उसकी भी इसमें भूमिका रही है। तो ये सभी जो है कुल 18 चोरियाँ हैं। इसमें पुलिस आरोपियों को रिमांड पर भी लेगी और साथ ही पूछताछ की जाएगी कि अगर कोई और अन्य मामला इसमें भी अन्य थाना क्षेत्रों का या अन्य जिलों का, वहाँ भी सूचना दी जा रही है कि अगर पूछताछ इन आरोपियों से करनी हो तो वो अवगत कराएं, जिससे वहाँ की कुछ वारदातें जिनका तरीका वारदात सेम है, इसी तरह का है, तो उसमें पूछताछ हो।